क्वार्टेट मंत्रा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना क्लास शुरू करते हैं आज का। पहला इंस्ट्रूमेंट है साथियों एल्टीमीटर। एल्टीमीटर क्या करता है कि एल्टीमीटर किसी भी प्लेस के हाइट को यानी समुद्र के तल से किसी भी वस्तु की ऊंचाई को मापता है। खास तौर पर आसमान में जो एयरक्राफ्ट जो चलते हैं जब जमीन की सतह से कितने ऊपर में है उसको मापने के लिए एल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। एमीटर मापता है इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को यानी विद्युत धारा की कितनी शक्ति है। खास तौर से विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितनी प्रबल है उसकी इलेक्ट्रिक करंट की प्रबलता को मापता है। अगला है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर और ऑडोमीटर में फ़र्क होता है दोस्तों। ऑडियोमीटर जो है वो साउंड के इंटेंसिटी को मापता है लेकिन ओडोमीटर जो है वो ओडोमीटर कोई गाड़ी पहिए वाली गाड़ी कितनी दूरी तय की है उसको मापता है ओडोमीटर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑडियोमीटर के बाद फोर्थ है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु दाब को यानी वायुमंडलीय दाब को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है उसको बैरोमीटर कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बाइनोक्यूलर जो आम जगह पर सबने कभी ना कभी बचपन में बड़े होने पर बाइनोक्यूलर और उसके इस्तेमाल को देखा होगा आपने। बाइनोक्यूलर दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यंत्र है। अगला है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर से दोस्तों हीट की क्वांटिटी को मापा जाता है एनर्जी की क्वांटिटी को मापा जाता है। तो हम जो कोई भी भोजन खाते हैं जिस भी तरह का पदार्थ खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है उसको मापने का इंस्ट्रूमेंट कैलोरी मीटर कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों क्रोनोमीटर। कोई वस्तु कहाँ पर रखी गई है जहाज़ में जब कोई वस्तु शिप पर चलती है और वस्तु रखी जाती है तो वस्तु समुद्र में कहाँ पर स्थित है किस लॉन्गिट्यूड पर स्थित है प्राइम मेरिडियन से या इंटरनेशनल डेडलाइन से वहाँ से उसको पता किया जाता है। नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफी। सिनेमा में जो यूज किया जाने वाला यंत्र है जिससे पूरा सिनेमा का बहुत सारा चीज़ बनता है निर्माण होता है उसको सिनेमाटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों डायनेमो। डायनेमो एक छोटा सा जनरेटर का पार्ट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देने वाली जो इंस्ट्रूमेंट कहलाती है वो इंस्ट्रूमेंट होती है डायनेमो। उसी तरह डायनेमोमीटर इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर। नाम से ही स्पष्ट है इलेक्ट्रिसिटी को जो मेजर करता हो यंत्र उसको इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हल्की सी भी अगर विद्युत आवेश है तो विद्युत आवेश की उपस्थिति को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इंडोस्कोप। लोगों की बॉडी का अंदर का जो जांच होता है वो इंडोस्कोपी कहलाता है। और इंडोस्कोपी के अंतर्गत हमारे पेट हमारे बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन्स हैं उन इनसाइड ऑर्गन की जांच की जाती है एग्जामिन की जाती है उसको हम लोग इंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और इंडोस्कोपी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों हमारा फैदोमीटर। समुद्र की गहराई को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे फैदोमीटर कहा जाता है। जो फैदम समुद्र की गहराई को मापते हैं तो उसकी गहराई को मापने का इंस्ट्रूमेंट फैदोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर हल्की सी भी इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति होती है बहुत लोवेस्ट परिमाण की विद्युत धारा होती है उसको भी मापता है। बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब होता है लिक्विड वाटर से संबंधित है तो लिक्विड की विशिष्ट गुरुत्व को मापने का इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर कहलाता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर दोस्तों वो इंस्ट्रूमेंट है जो एयर में मौजूद विशिष्ट आर्द्रता को यानी विशिष्ट जो मॉइस्चर है एयर में प्रेजेंस उसको मापना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब पानी के अंदर
पानी के अंदर जो कोई भी साउंड निकलती है, चाहे वो साउंड सबमरीन की हो, चाहे व्हेल की हो, या शार्क की हो, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट की हो, उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों लैक्टोमीटर, जरूर आप लोग पढ़े होंगे लैक्टोमीटर के बारे में। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। इट मेजर्स द इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टो मीन्स मिल्क। मैनोमीटर जो है वो दोस्तों मापता है प्रेशर ऑफ गैसेस, जो गैसों का दाब होता है उसको मापता है। इसी तरह का एक वर्ड सुने होंगे आप लोग एनीमोमीटर, ANAEMOMETER, एनीमोमीटर मापता है दोस्तों एयर के जो स्पीड है उसको मापता है एनीमोमीटर, जिससे विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन को मापता है। इसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों मैरिनर्स कंपास। जो नाविक होते हैं वो अपने साथ एक कंपास लेके घूमते हैं, क्योंकि समुद्र में और अंतरिक्ष में दिशा का पता लगाना खासा मुश्किल होता है। तो मैरिनर के पास चुंबक लगा हुआ और उसके ऊपर एक शीशे की डायल होती है, वो दिशा बतलाता है और नॉर्थ दिशा का पता लगा, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसका पता लगाने से बाकी तीन दिशाएं पता चल जाती है। तो सेलर दिशा का पता लगाने के लिए मैरिनर कंपास का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक भी बोलते हैं। और जो माइक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम बोलने के लिए करते हैं, और वो माइक जो है हमारी आवाज़, हमारी जो ध्वनि है साउंड वेव, उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद है दोस्तों माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव जंतु हैं, उनको जिनको नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है, उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख पाते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बाद दोस्तों ओडोमीटर है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि ओडोमीटर किसी व्हील वाले चक्के वाली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। अगला है फोनोग्राफ। दोस्तों फोनोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटो मतलब होता है दोस्तों लाइट, और मीटर मतलब जो उसको मेजर करता है। तो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो किसी सोर्स ऑफ लाइट से, किसी प्रकाश के स्रोत से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को मापता है, उसको कहते हैं हम लोग फोटोमीटर। पेरीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जो समुद्र में स्थित या समुद्र में चलती हुई कोई ऐसी व्हील है, ऐसी कोई शिप है या कोई नाव है, तो समुद्र में वो कितनी दूरी पर है और कहाँ है, कितनी बड़ी है, तट से उस वस्तु को देखा जा सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, उस इंस्ट्रूमेंट को पेरीस्कोप कहते हैं। अगला है रडार। रडार जो है वो आसमान में उड़ते हुए जहाज़ों की स्थिति को डिटेक्ट करता है, उनके रेंज को डिटेक्ट करता है। आने वाले जहाज़ों से जो रेडियो माइक्रोवेव निकलती है, उस रेडियो माइक्रोवेव की सहायता से जहाज के स्थिति और उसके रेंज का पता लगाता है रडार। उसके बाद है रेडियोमीटर। दोस्तों जो रेडिएंट एनर्जी है उसके उत्सर्जन को मापने का इंस्ट्रूमेंट रेडियोमीटर कहलाता है। जो रेडिएंट एनर्जी है, विकिरण से संबंधित जो ऊर्जा है उससे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं। और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर। किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस किसी भी विकिरण की ऊर्जा जिस तरह से वितरित हुई है, उस ऊर्जा को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीडोमीटर। किसी भी व्हीकल की स्पीड को रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर कहलाता है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों स्फाइग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लाई जाती है उसको स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्फेरोमीटर। किसी भी सतह की जो कर्वेचर है, जो सतह की जो वक्रता है, उसको मापने का इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर, ये स्फेरोमीटर कहलाता है। और लास्ट में
इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे पल्स को प्रॉपर हियरिंग करने के लिए कि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, उस फंक्शनिंग को देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो स्टेथोस्कोप कहलाती है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।